नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने सरकार की खामियों को बताने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन सरकार के पास दवाइयां नहीं हैं, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चीजें नहीं है। और सरकार दावा करती रही कि हमारे पास सारी चीजें हैं, सभी दवाइयां हैं, तो ऐसे में अब सरकार पूरी तरह से गिरती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर देखने को मिला, सरकारों ने ना तो हेल्थ सेक्टर पर काम किया, ना मेडिसिन पर काम किया, और ना ही सरकार जो है वो स्थितियों को संभालने में पूरी तरह कामयाब हो पाए। इस पर देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन के लिए लोग लंबी कतारों में दिखते नजर आए, और इसके बाद दवाइयों के लिए लंबी कतारों में लगते नजर आए। यानी कि जब से नोटबंदी हुई है तब से हमारे देश के लोग लंबी कतारों में दिखते नजर आ रहे। नोटबंदी के समय लंबी कतारों में दिखाई दिया करते थे, उसके बाद चले आते हैं, जिस तरह से देखने को मिला जो युवा हैं रोजगार के लिए लंबी कतारों में दिखते नजर चले आते थे, उसके बाद स्थितियां खराब हुई, ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारों में दिखते चले आए, दवाइयों के लिए लंबी कतारों में दिखते चले आए। यानी कि जिस तरह से लोग दिन ब दिन परेशान होते नजर आ रहे हैं, और साल 2014 के बाद से स्थितियां जिस तरह खराब हुई हैं, इससे पता चलता है कि सरकार बड़े स्तर पर नाकाम हुई है, सरकार बड़े स्तर पर फेल हुई है। और चलिए मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ किस तरह से योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और क्या कुछ कहा, देखिए ये खास। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के आतंक के बीच भी भाजपा सरकार सच को पूरी तरह नकार ले, जनता में भ्रम फैलाने और झूठी वाहवाही लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज में अव्यवस्थाएं छुपाए नहीं छुप रही, अभी भी रोज मौत हो रही है। दवा इंजेक्शन समय से इलाज के अभाव के साथ ही इनकी कालाबाजारी पर सरकार रोक नहीं लगा पाई। सपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीमार वहीं उपचार का नया नारा लेकर आ गए हैं। 7 वर्ष में बहुत कम होने के प्रशस्त मेडल भी उन्होंने खुद अपने नाम कर लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूरी हां में हां मिलाने की है। शहर से गांव तक पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद करने के बाद भी बधाई का आदान प्रदान चलता रहता है। भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है ताकि जनता भ्रम में रहे और बिना उपचार हो रही बेमौतों पर पर्दा पड़ाती रहे। उन्होंने कहा कि योगी की माने तो आंकड़े और जुबानी दावों के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और टीकाकरण सभी क्षेत्रों में हवाई कंट्रोल हो चुका है, जबकि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर बद इंतजामी का ताला पड़ा हुआ है, दवा इलाज के लिए हाहाकार मचा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया कि महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में भी कोरोना रोधी टीकाकरण के मामलों में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे है। कागजों पर इलाज, जमीन पर बेइलाज, यही प्रदेश की नियति हो गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कोरोना महामारी का अगला दौर और ज़्यादा संघातक होने और बच्चों तक इसके फैलने से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का भी भाजपा सरकार ने मजाक बना दिया। टीकाकरण की नीति की अस्पष्टता, पंजीकरण में बाधाएं, फिर सेंटरों पर टीका नहीं होने की दुर्व्यवस्था से जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अभी भी समय है। भाजपा सरकार लोकतंत्र की मूल भावना का पालन करते हुए विपक्ष के सुझाव पर ध्यान दे, सरकारी व्यवस्था में जो कमियां उजागर हो रही हैं उनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाए, विपक्ष को बदनाम करने और अपने झूठ पर पर्दा डालने की उसकी रीति नीति से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी। आज भी हजारों लोग इलाज की दो बूंदों के लिए तरस रहे, न दवा, न बेड, न टेस्ट, न वैक्सीन, भाजपा के कारण यही नीति है। गांव में लोग बुखार में तप रहे हैं, जनता अब यूपी से भाजपा को हटाने के इंतजार में है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जनता ने जिस हिसाब से वोट किया उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जनता का रुख अब बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है। जी हाँ, ये बात कह रहे हैं आंकड़े, और जिस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे आए उसे झुठलाया नहीं जा सकता। पंचायत चुनाव के नतीजों ने इस ओर इशारा कर दिया कि प्रदेश की जनता योगी सरकार को अब बिल्कुल भी सत्ता पर बिठाने की मूड में नहीं है।
देखने को मिला कि प्रदेश में बड़ी बड़ी सीटों पर जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है और समाजवादी पार्टी के पास सीटें आई हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्थितियां अब अलग बनती नज़र आ रही हैं। वहीं चुनाव की बात चल रही है तो बंगाल चुनाव का नाम भी लिया जाएगा। बंगाल चुनाव, जिसे मिनी लोकसभा चुनाव भी कहा जा रहा था, बंगाल चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी, लेकिन नतीजा क्या निकला? जीरो। जी हाँ, बंगाल चुनाव में भी बीजेपी की बहुत पूरी तरह से हार हुई। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, जिस तरह से बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए, और ये स्थिति तब थी जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ रैलियाँ की। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर स्थितियों की अगर बात करें तो चुनाव में बीजेपी को झटका लगना, यानी कि आगामी चुनाव में जनता बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश कर रही है, और जनता का यही बदलाव आने वाले समय में सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर सत्ता पक्ष के नेता अब डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर योगी सरकार पर निशाना साधा। और सबसे बड़ी बात की, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का हाल तो आप लोगों को पता ही होगा। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का हाल ये बता दिया कि किस तरह की स्थितियां आने वाले चुनाव पर होगी। यानी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो योगी सरकार के लिए बहुत ज्यादा कहा जाए तो कठिन होगा, क्योंकि सरकार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में जिस तरह का झटका लगा, बड़ी बड़ी सीटों पर सरकार जिस तरह से उनके जो बात करें बीजेपी उम्मीदवारों को बड़ी बड़ी सीटों पर जिस तरह से हार मिली, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बुरा हाल रहा, इसका मतलब ये रहा कि जनता बदलाव कर रही है, और जनता का यही बदलाव कहीं ना कहीं अब सरकार के लिए परेशानी का सबक बनता नजर आ रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। अयोध्या तक में समाजवादी पार्टी ने बड़ी सीटों से जीत हासिल की, उसके बाद चले आते हैं कई बड़ी सीटों पर जीत हासिल की। तो ऐसे में देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जनता का बदलाव अब सरकार के लिए परेशानी का सबक बनता नजर आ रहा है। बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उससे भी साफ पता चल गया कि किस तरह से जनता ने बीजेपी को नकार दिया। इसका मतलब यह है कि अब जनता का विश्वास धीरे धीरे सरकार से उठता नजर आ रहा है, मोदी सरकार से उठता नजर आ रहा है, क्योंकि आज जनता को सच पता चल चुका है और जनता अब सच्चाई के साथ दिखती भी नजर आ रही है। चलिए देखते हैं आखिरकार आगे क्या स्थिति रहती है और साल 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा रहेगा, किसको जनता सत्ता पर बिठाएगी, ये अपने आप में बात रहेगी। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, समाजवादी पार्टी की या बीजेपी की, सत्ता पर कौन बैठेगा, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। समाजवादी पार्टी ने जिस बड़े स्तर पर सीटें हासिल की हैं पंचायत चुनाव के दौरान, उस तरह से आसार लग रहे हैं, अखिलेश यादव को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव एक बार फिर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, अखिलेश शिवपाल का गठबंधन कामयाब होता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अखिलेश शिवपाल का गठबंधन कामयाब हो रहा है, उसका आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।